हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं घूमने जाते हैं, हमने ढेर सारा मेकअप कर रखा होता है और आने के बाद हम प्रॉपरली उस मेकअप को निकालते नहीं हैं, जिसके कारण कि नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिन छोड़ के हमारे फेस पे रैसेस आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। और अगर नॉर्मली हम अगर फेस वॉश कर लेना तो भी हमारा मेकअप नहीं निकलता है और तो उसके नेक्स्ट डे ना बहुत ही डेंजर वाला लुक आता है। तो मैंने आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके घर में जो सामान है उसके साथ ही अपना फेस का मेकअप रिमूव करना बताऊंगी। और मेरी वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो जैसा कि मेरी पहली वीडियो में आपने देखा है कि मैं गई थी एक बर्थडे पार्टी में, जो कि मेरे बेटे की फ्रेंड की पार्टी थी। तो वहाँ पर जाने से पहले ना मैंने बहुत सारा मेकअप किया था और आने के बाद मैं उस मेकअप को किस तरह से रिमूव करती हूँ वो मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बच्चों के लिए जो वाइप्स यूज होते हैं ना, अगर वो आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। या फिर मेकअप रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवल बहुत सारे जो क्रीम आते हैं आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपना मेकअप किस तरह से रिमूव करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस मेकअप को रिमूव करने के बाद ना नेक्स्ट डे फेस पे एक अलग ही ग्लो होता है। ये है कोकोनट ऑयल, जो कि जिसका रिव्यू मैंने पहले भी कर रखा है। ये गुडनेस का कोकोनट ऑयल है, तो ये कोकोनट ऑयल है इसलिए ये थोड़ा जम जाता है, तो मैंने इसे पहले ही मेल्ट कर लिया है। उसके बाद क्या करना है ना, आपको इस तरह का थोड़ा सा कॉटन लेना है और इसे बस इसमें पूरी अच्छी तरह से आपको डिप कर देना है। जब आपने इसे ये आधे फेस पे मैं इसे करके दिखाऊंगी और आधे फेस के लिए मैं और एक आपको ऑप्शन भी दे दूंगी। तो आप सबसे पहले देखिए इसे मैं क्या करती हूँ, इसे अपने फेस पे ना अच्छी तरह से आपको रब करना है। इसमें आप देखिए इतना ज्यादा मेकअप मेरा निकल चुका है और फेस देखिए एक तरफ से हो चुका है क्लीन, किसी भी तरह का मेकअप नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरफ में मेकअप है। तो उसके लिए मैं आपको सेकंड ऑप्शन देती हूँ कि अगर आपके पास एलोवेरा जेल है ना तो वो लगा सकते हैं। उसके लिए तो आपको इस कॉटन पैड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको थोड़ा सा लेना है एलोवेरा जेल। इस तरह से आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल और इसे अपने फेस पे करना है इस तरह से मसाज। ये मेरा एक तरफ का फेस क्लीन हो चुका था तो मैं दोनों ही साइड करके दिखा दे रही हूँ। इसके बाद लेना है आपको साफ एक कॉटन का कपड़ा, जितना हो सके उतना सॉफ्ट कपड़ा लीजिएगा और इसे अपने फेस पे इस तरह से जैसा कि देख सकते हैं मेरा फेस पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। लेकिन ये एलोवेरा जेल मैंने लगाया है या फिर ये कोकोनट ऑयल लगाया है, इससे फेस थोड़ा सा ऑयली लगेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो भी आपके पास फेस वॉश है उसे आप फेस क्लीन कर लीजिए। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिए एलोवेरा जेल और जो कोकोनट ऑयल, हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो लेकिन मैं तो फेस को क्लीन करने वाली हूँ एक अच्छे से फेस वॉश से, तो मैं तो वाओ का फेस वॉश यूज करती हूँ वो मैंने। और फाइनली देखिएगा मेरा लुक, देख सकते हैं मैंने फेस को अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे आईज में किसी भी तरह का काजल या आईलाइनर या लिप्स में लिपस्टिक किसी तरह से भी कुछ भी नहीं बचा है, फेस अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अगर आप भी फेस को इस तरह से क्लीन करके सोती हैं ना रात को, ऐसे नहीं कि मेकअप किया है, रेगुलर में भी आपको अपने फेस को इस तरह से क्लीन करके सोना है ताकि आपको पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल इस तरह की समस्या ना हो, आपके फेस ग्रो करती रहे। तो मैं वही पे खत्म करती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाय, गुड नाइट।